ऑलरेडी कर लिया है और अभी जो फर्स्ट स्टेप मतलब कि क्लेंजर की बाद में जो फर्स्ट स्टेप हमने यूज़ किया था वो है टोनर, और जो टोनर हमने यूज़ किया है वो है रिच फिल का स्किन टोनर, ठीक है, जो हर एक स्किन पे ऑलमोस्ट चला ही जाता है बट स्पेशली जिनको एक्ने है उनके लिए ज़्यादा अच्छा है। ओके, दूसरा जो हमारा स्टेप है वो है एक्वा ब्लास्ट फ्रॉम PAC, मतलब कि एक्वा ब्लास्ट मतलब कि हाइड्रेटिंग मॉइस्चराइजर या फिर वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर जिसको हम बोलते हैं, वो हमने आज यूज़ किया है PAC का, ठीक है। तीसरा हमारा जो स्टेप है वो उसको वापस एक बार लगा देना, थोड़ा लिप्स और ड्राई लग रहा है, ठीक है। ऑलरेडी हमने एक बार किया था बट काफ़ी टाइम हो गया था, उससे पहले मतलब काफ़ी टाइम पहले हमने अप्लाई किया था तो हमने सोचा कि वापस एक बार लगा दें। अगर आपको लग रहा है कि ड्राइनेस लिप्स पे ज़्यादा है तो आप दो बार भी लिप बाम लगा सकते हो, ठीक है। और ये बहुत ज़रूरी स्टेप से याद रखना कि आपको लिप बाम जो है वो जब आप प्रिपरेशन करते हो तब आपको लगा ही देना है, ओके, ताकि आपके लिप्स को अच्छा खासा मॉइस्चर मिल जाए। जब लिपस्टिक हम लगाएं तब आपके लिप्स जो है वो लिपस्टिक के लिए रेडी रहे, ओके। सो अभी हम हमारा नेक्स्ट जो स्टेप है वो करेंगे एम्ब्रोइलिस का मॉइस्चराइजर। जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो है एम्ब्रोइलिस का मॉइस्चराइजर, बट मैं इसे एक बार अच्छे से स्किन में पेनिट्रेट कर देती हूँ। देख सकते हो कि हल्का हल्का इनको डार्क सर्कल्स भी है और यहाँ पे जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उसको किस तरीके से हमें हाइड करना है वो भी मैं आपको बताऊंगी। अभी जो स्टेप मैं यूज़ कर रही हूँ वो है मॉइस्चराइजर, जो मैं यूज़ कर रही हूँ वो है एम्ब्रोइलिस का मॉइस्चराइजर। जो ब्रश मैं यूज़ कर रही हूँ वो है कैंडी लव का 309 नंबर का ब्रश। क्या हुआ? अभी हमने ये प्रेता गर्मी हो रही है बेटा, तो वो फैन ऑन कर दे पहले, तो इतना ज्यादा आवाज नहीं आएगी, करना पड़ेगा। जब भी आप मॉइस्चराइजर लगाओ या कोई भी स्टेप करो ध्यान रखे कि बहुत ज़्यादा आप पहले से ही प्रोडक्ट को ना लें, धीरे धीरे करके प्रोडक्ट्स को लें, जितना ज़रूरी है वो आपको धीरे धीरे लेना चाहिए, क्योंकि काफ़ी बार हम गलती करते हैं कि हमें जितना ज़रूरी है उससे कई ज़्यादा प्रोडक्ट्स हम ले लेते हैं। अगर आप ज़्यादा प्रोडक्ट ले लोगे तो भी आपका मेकअप ख़राब होगा, और ज़रूरत से कम प्रोडक्ट अगर आप लेते हो तो भी आपका जो बेस है वो सही नहीं होता। तो ध्यान रहे कि आपका बेस को जितना ज़रूरी है या स्किन के हिसाब से जितने ज़रूरी है प्रोडक्ट उतने हमें लेने चाहिए। और एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जब ऐसे पिंपल्स वाली अगर कोई स्किन आपके पास आए तो आपका जो हाथ है उसका प्रेशर बहुत ज़्यादा नहीं देना है, क्योंकि काफ़ी बार क्या होता है कि जैसे ये आप देख सकते हो कि ये अभी एक्टिव पिंपल्स है, एक्टिव मतलब कि अभी ये ऐसे पिंपल्स हैं जिनको वो उनको दर्द हो सकता है अगर आप बहुत ज़ोर से प्रेशर दोगे तो। हाँ, अगर एक्ने है तो थोड़ा प्रेशर ज़्यादा हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब एक्टिव पिंपल्स हो तब आपको ध्यान रखना है कि आपको अपने हाथ में प्रेशर कम रखना है ताकि उनको कोई हमारे हाथ के प्रेशर की वजह से उनको तकलीफ ना हो या फिर उनको पेन ना हो, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है चेहरा ज़्यादा पीछे से इसलिए कर रही हूं। तो 2 मिनट हम लोग इसको अच्छे से पेनिट्रेट होने देते हैं, 2 मिनट नहीं, एटलीस्ट आपको 30 सेकेंड वेट करना चाहिए ताकि आपका जो प्रोडक्ट है वो अच्छे से स्किन में पेनिट्रेट हो जाए, ठीक है। वैसे तो हम हर बार आपको एक एक स्टेप जो है वो अच्छे से बताते भी, और हर बार ये चीज़ मैं बार बार रिपीट करती हूँ कि जब भी आप प्रोडक्ट को अप्लाई करें उसके बाद वेट करें प्रिपरेशन के लिए, स्पेशली मतलब कि दोनों मॉइस्चराइजर के बीच में भी वेट करें, देन उसके बाद में जो प्राइमर आप अप्लाई कर रहे हो उसके बाद भी एटलीस्ट 30 सेकेंड का वेट करें, ताकि आपके जो भी प्रोडक्ट्स है वो अच्छे से स्किन में पेनिट्रेट हो जाए और आपका जो बेस है वो फ्लॉलेस बने, ठीक है। इसके बाद में मैं जो प्राइमर आज यूज़ करूँगी वो पहले तो मैं जहाँ जहाँ मुझे नीड है वहाँ पे मैं पोर प्राइमर का यूज़ कर रही हूँ। इसको
बहुत ज़्यादा पोर्स तो नहीं, बट हल्का सा, इतने एरिया में हल्का सा है। सो उसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ पोर फेशनल, बेनिफिट का पोर फेशनल। बहुत ही कम क्वांटिटी हमें लेनी है, बहुत ज़्यादा ये नहीं लगता है। इसलिए पोर्स के लिए ना हो सके तो अच्छी क्वालिटी का ही प्राइमर लो। आप ये ले सकते हो, आप टाचा का भी ले सकते हो। आप देख सकते हो कि मैंने कितना कम क्वांटिटी लिया है, बहुत ज़्यादा हमें नीड नहीं है। ठीक है, जब भी आप पोर प्राइमर लगाओ ध्यान रखें कि आप ऐसे लगाओ, या तो फिर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, मतलब इस तरीके से लगा सकते हो या फिर आप ऐसे लगा सकते हो। ठीक है, ऐसे स्प्रेड नहीं करना होता है, इसका तरीका ऐसा होता है। ठीक है, पोर प्राइमर के बाद में मैं यूज करने वाली हूँ प्राइमर, और जो प्राइमर मैं यूज करूंगी वो है अफ्लेर्जा का मैजिक ड्रॉप, जो एज अ प्राइमर भी आप यूज कर सकते हो, आप एज अ मतलब आप उसको फाउंडेशन में भी मिक्स कर सकते हो, दोनों तरीके से आप अप्लाई कर सकते हो। और ये आपके बेस को वाटरप्रूफ बनाने में भी हेल्प करता है, वाटरप्रूफ मतलब कि वाटर रेजिस्टेंट बनाने में भी हेल्प करता है। ये एक तरीके का सीरम है, इसकी जगह पे अगर आप चाहो तो आप इंग्लॉट का ड्यूरालाइन का भी यूज़ कर सकते हो, और आप फेरारुशी का जो फॉरएवर 52 का जो बूस्टर है वो भी आप यूज़ कर सकते हो। या फिर ऐसे स्किन पे आप मैटिफाइंग प्राइमर का भी यूज़ कर सकते हो, जैसे कि हुडा ब्यूटी का मैटिफाइंग प्राइमर भी इनके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, ये तो ऑल टाइप स्किन के लिए अच्छा है, बट अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको ये नहीं यूज़ करना है तो आप यूज़ कर सकते हो मैटिफाइंग प्राइमर, तो आप वो हुडा ब्यूटी का यूज़ कर सकते हो, या फिर आप चाहे तो योरोगल का यूज़ कर सकते हो, आप चाहे तो रेवोल्यूशन का भी यूज़ कर सकते हो। अगर आपको इकोनॉमी रेंज में चाहिए तो आप रेवोल्यूशन का यूज़ कर सकते हो।